आप जो मर्जी कर लें, जो बदकुमाश लोग होते हैं, जो जालिम लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, वो तो इतराज कभी भी खत्म नहीं करते। तो कोई शख्स ये सोच ले कि मेरे ऊपर कोई इतराज न कर सके, तो ऐसा कायनात के अंदर कोई शख्स नहीं पाया जाता कि जिस पर आज तक किसी ने कोई इतराज न किया। वो जो मर्जी कर ले उसके मोतरे जरूर हो। लोग खुदा के वजूद का इनकार करते हैं और उसके कामों पर मोतरज हैं, तो मैं और आप क्या होते हैं? हमने ये देखना होता है कि हम जिस समत जा रहे हैं वो समत दुरुस्त है, उसमें हमारा नफ्स शामिल तो नहीं है। हमारी ख्वाहिशात, हमारी आरजुएं, हमारी तमन्नाएं, उन्होंने हमें गुलाम तो नहीं बना लिया हुआ। हम जब अपने रुख को दिलो जान से सीधा तसव्वुर करते हैं और अल्लाह की तौफीक से वो सीधा होता है, तो फिर सारा जमाना भी हमें मलामत करे तो हमें उसकी कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। और ये आरजू के कोई मेरी बात पे मोतरिज ना हो। हाँ, आपको ये जरूर करना चाहिए कि आप खामखा अपने आप को इतराज और मलामत की जगह पे ना खड़ा करें। कुछ लोगों को ये भी बड़ा शौक होता है कि खामखा जो है वो ऐसा काम करते हैं जिससे बहुत सारे लोगों को इतराज होता है और लोग मलामत की जगह पे उसको खड़ा करते हैं। इत्तकू मवाज़ियत तुहम, मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुहमत के लगने की जगह से भी बचो। आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे और हुजूर की अहलिया मोहतरमा उनको लेकर हुजूर रात को ऐसे निकले, तो कोई सहाबी थे वो गुजर रहे, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनको फिर कहा कि मेरे साथ मेरी अहलिया। उन्होंने कहा हुजूर, हमारे हाशिया ख्याल के अंदर भी कोई और बात नहीं आती। तो आका करीम ने फरमाया कि बेशक शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है। तो एक गुमान पैदा हो सकता था, हुजूर ने उस गुमान की भी तर्दीद की। हुजूर ने सहाबा को यह सबक दिया कि तुम लोगों को अपने ऊपर इतराज का मौका न दो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि लोग खामखा इतराज करते हैं, तो अल्लाह ने उस पर इरशाद फरमाया इल्लज़ीना ज़ालमू मिन्कुम, जो जालिम है आप जो मर्जी कर लें वो कभी भी इतराज की जुबान खोलने से बाज नहीं आएंगे। जहां तक लोगों की बात है तो आप उनकी बात से बच नहीं सकते, लेकिन आपने ये देखना है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, और इम्कान यही हो कि मेरे ऊपर किसी की उंगली न उठने पाए, मैं खामखा लोगों की बदगुमानी की वजह ना बनूं। लेकिन जालिम, मुतशद्दद, सख्त मिजाज और हसद, बुगज और कीना रखने वाले लोग, उनसे आप नहीं बच सकते। जब पैगंबर, रसूल, नबी, हत्ता कि आपने सुना कि उन्होंने कहा कि हमारा जिब्रील से फरिश्ता, कभी ऐसा भी हुआ कि किसी ने फरिश्तों से भी जो है लड़ाई लड़ी हो, तो उन्होंने कहा नहीं हमारा मेकाइल से सेटिंग है लेकिन जिब्रील से हमारा। तो ये तो फिर कोई फरिश्ता भी बन जाए तो उस पर भी इतराज होगा।